कैन यू लर्न म्यूजिक फ्रॉम यूट्यूब। तो दोस्तों आपने जैसे कि टाइटल पढ़ ही लिया होगा, कैन यू लर्न म्यूजिक फ्रॉम यूट्यूब। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप सच में यूट्यूब से म्यूजिक सीख सकते हैं या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो सवाल है, कैन यू लर्न म्यूजिक फ्रॉम यूट्यूब, ये आई गेस सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है बिगनर्स के लिए, क्योंकि उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब हमारे पास आते हैं, दे थिंक कि भाई हमने यूट्यूब से सीखा हुआ है, हमारी बेसिक्स क्लियर है, बट दे डोंट रियली नो कि जो टीचर का इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट पे वो अलग होता है। क्यों? अगर हम इसको बोले हिंदी में, अगर हम बात करें तो गुरु शिष्य परंपरा, राइट, जो बहुत ही सदियों चलती आ रही है गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें गुरु सामने बैठा होता है, शिष्य सामने बैठा होता है, और जो इंटरेक्शन उनके बीच में होता है, वो इमोशनल कनेक्शन जो बीच में होता है, हमें बेसिकली वही चाहिए। हम यूट्यूब से वो कनेक्शन नहीं बना सकते एक बिगनर्स के लिए। मैं पहले बता दूं, जो सर ने बोला बिगनर्स के लिए, ऑब्वियसली हर चीज के कुछ फायदे हैं, नुकसान भी हैं। फायदे उनके लिए हैं जो जानते हैं कि यूट्यूब के यूज कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि जब हम कुछ सीख रहे हैं यूट्यूब से, दे आर एक्चुअली टीचिंग अस, बट ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं, दे आर जस्ट सेलिंग आउट देयर प्रोडक्ट। पहले वो आपको 10 वीडियोस ऐसे देंगे कि वो बिगनर कोर्स बना रहे हैं, देन दे विल टेल यू कि आप उनका जो रेस्ट ऑफ द कोर्स है उनकी वेबसाइट पर जाके खरीद सकते हैं। तो जैसे कि सर ने बोला कि इससे कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो बेसिकली फायदे किन के लिए हैं, नुकसान किन के लिए हैं, हम वो बात करते हैं। फायदे एक इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जिनको बेसिकली नॉलेज होती है कि म्यूजिक थ्योरी क्या होती है, हमारे प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, हमारे हैंड मूवमेंट्स क्या होते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर लेवल पे हो तो आई थिंक वीडियोज जो होती हैं वो बिल्कुल काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो जो सिखा रहे हैं, आप जो सीख रहे हो, आपको नहीं पता कि आप कितना उसको अच्छे से सीख पा रहे हो या वो कितना अच्छे से उसको डिलीवर कर पा रहे हैं। ना तो वो लाइव सेशंस में आपको बता सकते हैं कि आपकी ये फिंगर गलत है या आपकी ये पोजीशन गलत है। तो आपको बिगिनर लेवल पे आई थिंक ये आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ किसी इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं है, इट्स अबाउट द वोकल्स एज वेल। आपके वोकल कॉर्ड बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर आप गलत तरीके से रियाज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो चीज भी आपको खराब हो सकती है। तो एक गाइडेंस बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप अगर बिगनर्स हैं तो आपको यूट्यूब पर जाना ही नहीं चाहिए, बट विद गाइडेंस आप अपने टीचर्स से पूछिए। अगर आपके पास कोई टीचर्स है या कोई नोन है, आस्क देम कि हमें किस वीडियो को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है, ठीक है, कुछ ऐसे वीडियोज हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे चीजों में, जैसे वोकल्स के कुछ बहुत अच्छे लेसन हैं, गिटार्स के बहुत अच्छे हैं, पियानो के बहुत अच्छे हैं, बट वही है, आपको नहीं पता कि कौन सा लेसन एक्चुअल में अच्छा है। एक्चुअल में म्यूजिक का जो पढ़ाने का तरीका है या पढ़ने का तरीका है, ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम म्यूजिक भाई पढ़ा कैसे रहे हैं, पढ़ भी कैसे रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये आपको एक अच्छा टीचर सामने बैठकर ही बता पाएगा। मुझे सर की बात से याद आया, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें श्री कौशिकी चक्रवर्ती जी वो सामने बैठ के बता रही थी कि उन्होंने अपने गुरु पिता से कैसे सीखा था। अब जैसे उन्होंने माइक लिया और उन्होंने बताया कि वोकल कॉर्ड्स हमारी किस लेवल पे होनी चाहिए, ना ऐसे ना ऐसे, स्ट्रेट। तो ये कौन बताएगा? ये वही बताएगा जो आपके सामने बैठा हो, है ना। वीडियोस में ये तो बताएंगे नहीं, वो आपको सीधा सिखाएंगे, वो आपको रियाज बता देंगे, सारे गामा पा धा नी सा आपको करना है, लेकिन वो ये कभी नहीं बताएंगे कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, या आप ऐसे कर रहे हो आपको ऐसे करना चाहिए। मैटर नहीं करता कि आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, एडवांस हैं। अगर आप जेन्युइनली म्यूजिक सीखना चाहते हैं, सो यू शुड अप्रोच अस, स्ट्रिंग्स एंड कीज एकेडमी। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के। आपको बस ये सोचना है कि आपको एक जेन्युइन म्यूजिक चाहिए या नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब सीख रहे हैं म्यूजिक, आपको नहीं पता कि आर यू एक्चुअली लर्निंग इट, क्योंकि लोग आजकल सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, राइट। एक राइट म्यूजिक एजुकेशन आपको नहीं मिल पाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको महीनों सालों हो जाएंगे सीखते सीखते, और आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप एक सॉन्ग ठीक से प्ले कर पाए। मैं इसको अकेडमी का नाम बिल्कुल नहीं दूंगा, ये एक फैमिली है, राइट। ये नहीं कि कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई बिगनर है, कोई इंटरमीडिएट है, कोई एडवांस है, ये एक फैमिली है। वी विल वर्क एज अ फैमिली, एग्जैक्टली, वी विल लर्न एज अ फैमिली। ऐसा नहीं है कि आप ही सीखोगे, हम भी आपसे सीख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। सबके एक्सपीरियंसेस, सबके गुड और बैड एक्सपीरियंस जो हमने बात करी थी, तो वो हम आपसे भी सीख सकते हैं, हम आपको सिखा सकते हैं। तो आप हमारी फैमिली ज्वाइन करिए, हमें बहुत खुशी होगी। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं जो सीखते हुए कुछ सवाल ऐसे पूछ लेते हैं जो हमें भी एक बार को सोचना पड़ता है कि अच्छा ये ऐसे भी सोचा जा सकता था।
तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही टीचर से सीखते हैं, टीचर भी बच्चों से कई बार कुछ सीख जाते हैं जाने अनजाने में। सो इट्स अ जर्नी, इसमें कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई भी आपके लिए सही या गलत चीज नहीं है, बट हाँ आपको सीखना किस तरीके से है ये बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात है। सो थिंक अबाउट इट एंड जॉइन आवर एकेडमी स्ट्रिंग्स एंड कीज़। थैंक यू।